हेलो एवरीवन, वेलकम टू सार प्लानर। आज वीडियो आम श्रेणी दशम भूगोल पार्ट फोर को देखा। ओके, यह पूर्व ऑलरेडी पार्ट वन टू एंड थ्री अपलोड हो सारी। जब आप से पार्ट गुड़ी को देखी ना, तेज यथाशीघ्र आम चैनल प्ले लिस्ट को जातु। से गलापर समेट बी एसेसमेंट वन क्लास टेन्थ जदि आप सर्च करेंगे कि फॉर्मेट बी एसेसमेंट वन क्लास टेन्थ जब आप सर्च करेंगे तो सेठे आप प्ले लिस्ट गुड़ मैंने जो यही जो भूगोल प्ले लिस्ट को पाइपर। ओके, तो ये जो वीडियो आम आलोचना करवा पी मैंने तो इम्पोर्टेंट किसी एमसीक्यू को आलोचना करवा जहाँकि तुम भूगोल बहर संबल चैप्टर को आधारित अटे। आई एमसीक्यू गुड़िक जो फॉर्मेट भी एसेसमेंट वन समेट भी एसेसमेंट वन एंड समेट भी एसेसमेंट टू ये समस्त परीक्षापे उपयुक्त अटे। बुझिपार पे मन रख तुम जो समेट भी एसेसमेंट वन फोर्थ विक अफ बा लास्ट विक अफ नवेम्बर बुझिपार्चना, तो नवेम्बर मसर जो लास्ट विक अच्छी सेठे हम आ 50 मार्क लेखाई प्रश्न आसीबो आ सब जाक केवल एमसीक्यू आसीबो। ओके, 100% पिला माने केवल आ केवल एमसीक्यू आसीबो, अन्य किछ आसीबो नाही। तो आमे सही एमसीक्यू को आलोचना करबा। तो जो माने हमर चैनल पे न्यू विजिटर हि छथि सेमे जथाशीघ्र चैनल को सब्सक्राइब करंतु, जहा द्वारा सेमाने ए जो समेट बी एसेसमेंट 1 2 देन फॉर्मेट बी एसेसमेंट 1 2 3 4 ए समस्त पे प्रिपरेशन एकदम फ्रीली करि परिबे। सब्सक्राइब कला पिले मैंने कौन करना, रेड कलर जो बेल आइकन अच्छी दबाई देव, देन ऑल नोटिफिकेशन मतलब क्लिक कर, जहाद्वारा कौन हम आगामी समय जो भी किसी वीडियो अपलोड हेले यह नोटिफिकेशन तुम्हें पाइपर। तो चलो स्टार्ट करवा। तो पे मन रख आम प्रीवियस पीरियड में जो पार्ट वन अच्छी से पार्ट वन आम एक नंबर प्रश्न रु 40 देखी, देन दुई नंबर पार्ट्रे 41 रु 70 देखी, तीन नंबर पार्ट्रे 71 रु 100 देखी। तो आज आम 4 नंबर पार्ट्रे 101 रु आरंभ करवा, देखिए केत जा। ओके, देख पे 101 नंबर प्रश्न रु देखा। 101 नंबर प्रश्न कही क्यों मूर्तिका अधिक ओजन विशिष्ट अम्लीय लुणिया और जैवांश युक्त होता है। तो क्यों मूर्तिका अधिक ओजन होता है, अम्लीय होता है, लुणिया होता है और जैवांश युक्त होता है। ऑप्शन ए पटु, ऑप्शन बी अरण्य, ऑप्शन सी लुणा और क्षारिय, ऑप्शन डी पीट और जलाभूमि। तो कौटा पे अधिक ओजन विशिष्ट अम्लीय लुणिया और जैवांश युक्त अटे, कौटा हम पे प्रश्नर सठिक आंसर हूँ ऑप्शन डी पीट एंड जलभूमि। तो यही जो माटीटा अधिक ओजन विशिष्ट अम्लीय भी अटे, लुणिया भी अटे और जैवांश युक्त भी अटे। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंडर क्यों अंचल पीट और जलभूमि मूर्तिका देखा जाए। उत्तराखंडर क्यों अंचल रामगढ़, अंबिकापुर, अल्मोरा, बिलासपुर। तो क्यों अंचल पीट और जलभूमि मूर्तिका देखा जाए उत्तराखंड कौट देखा जाए पे शीघ्र शीघ्र कमेंट कर पे। राइट आंसर होची ऑप्शन सी अल्मोरा। ओके, तो उत्तराखंड अल्मोरा जगह अधिक पीट और जलभूमि मूर्तिका देखा जाए। नेक्स्ट प्रश्न, 103 नंबर प्रश्न, केउंटी मूर्तिका क्षयर मुख्य कारण नुहे। मूर्तिका क्षयर मुख्य कारण नुहे, द्रुत जनसंख्या वृद्धि, ओके, वनीकरण, अधिक वृष्टिपात, परिवहन, पथ निर्माण। ता भितर कोडा मुख्य कारण नुहे मूर्तिका क्षयर, कमेंट कर पे माने कोडा कोडा मूर्तिका क्षयर मुख्य कारण नुहे। पे आम जो प्रश्न गुड़ी आलोचना करचे तो तुम्हें देख तुम से जो फॉर्मेट भी एसेसमेंट वन हो कि समेट भी एसेसमेंट वन कि समेट भी एसेसमेंट टू जेकोसी परीक्षा में जदि यही संबल पाठ जदि आसला किसी प्रश्न तेज आम जो प्रश्न गुड़ी आलोचना करे एमु ही किसी प्रश्न आसत बुझिपार्चना। तेणु कहीं मत वीडियो को स्किप नक आरंभ लास्ट पर्यटन आम समस्त मिसिक देखा शिखा आ कि जाना। तेज 103 नंबर प्रश्न उत्तर कौन हम ऑप्शन ए हम ना ऑप्शन बी ना ऑप्शन सी ना ऑप्शन डी कौटा हम पे पिले टी चिंता कर वनीकरण के मूर्ति क्षय कारण हम कि हम ना तेणु यार सठिक आंसर होगी ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, क्यों राज्य में जल प्रवाह द्वारा होता मूर्ति क्षय को चोष बोली कहुए। आउत्र पड़ी क्यों राज्य में जल प्रवाह होगा द्वारा जो मूर्ति क्षय होती चोष बोली कहुए। ऑप्शन ए जम्मू काश्मीर, ऑप्शन बी बिहार और आसाम, ऑप्शन सी पंजाब हरियाणा, ऑप्शन डी ओडिशा एवं आसाम। तो कौ राज्य कह जा चोष मूर्तिका क्षय को कौटा हम पे पे राइट आंसर होगी ऑप्शन सी पंजाब एवं
हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्तिका संरक्षण पाई केतोटी क्षुद्र पदक्षेप नुहे। ओके, तो मूर्तिका संरक्षण पाई कोडा क्षुद्र पदक्षेप नुहे, पतित भूमि रे पुनः वनीकरण, अत्यधिक पशुचारण को नियंत्रण, पोड़ुचाष को प्रोत्साहित न करिबा, नदी संजोग योजना। तो आ भितर कोडा क्षुद्र पदक्षेप नुह, मीन से बृहत पदक्षेप होइतिबो, बुझिपार्चना मूर्तिका संरक्षण पाई कोडा बृहत पदक्षेप होइतिबो, अर्थात क्षुद्र पदक्षेप नुह। तो कोडा हेपरिबो पिला माने, पिला यार सठिक आंसर होची ऑप्शन डी, नदी संजोग योजना। पिला नदी संजोग योजना द्वारा मूर्तिका आवास संरक्षण हो पड़ी, कि एक बड़ योजना अटे, यहाँ कौन क्षुद्र योजना नुह, बुझिपार। नेक्स्ट प्रश्न देख, मूर्तिका संरक्षण पर क्योंटे एक बृहत पदक्षेप योजना नुहे, तो आ भितर कौटा बड़ पदक्षेप नुह, पूर्व प्रश्न छोट पदक्षेप नुह बोली पचार ये बड़ पदक्षेप नुह, अर्थात छोट पदक्षेप होती है। पुनः वनीकरण मध्यम नूतन अरण्य सृष्टि, अधिक पशुचारण को नियंत्रण, नदी संजोग योजना, बुंदा जल सेचन साहाय्य मूर्तिका क्षय रोकवा, ता भितर कौटा बृहत पदक्षेप नुह, मीनस छोट पदक्षेप होती कौटा हे पे ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी ना ऑप्शन सी ना ऑप्शन डी कौटा हे पे राइट आंसर होचे अधिक पशुचारण को नियंत्रण करवा। तो पशुचारण को नियंत्रण करवा कौन सी बड़ पदक्षेप नुह। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देख, क्यों राज्य में सर्वाधिक अरण्य रही, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो कौ राज्य अधिका अरण्य रही कौटा हे पे सठिक आंसर पे यार सठिक आंसर हम ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देख, अरुणाचल प्रदेश रे शतकड़ा केते भाग अंचल रे अरण्य रही, अरुणाचल प्रदेश रो राज्यर केते शतकड़ा भाग केवल अरण्य रही, ऑप्शन ए 60 भाग, ऑप्शन बी 70 भाग, ऑप्शन सी 80 भाग, ऑप्शन डी 90 भाग। तो कौटा हे पे राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश केते शतकड़ा भाग अरण्य रही पे सठिक आंसर होगी ऑप्शन सी 80 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय केउ अंचल सफा कर कृषि कार्य कर, हिमालय कौ अंचल को सफा कर पे कृषि कार्य कर, भाबर ना खदर ना भांगर ना तराई पे आम जो पूर्व पार्ट जो देखीचे मीनस पार्ट थ्री रे जो भाबर बैले कौन, खदर बैले कौन, भांगर बैले कौन, तराई बैले कौन, ये जगह सब आम आलोचना करे। ओके, तो हिमालय के अंचल सफा कर कृषि कार्य कर पे राइट आंसर होड़ा ना ऑप्शन डी। ओके, तो तराई अंचल को सफा कर कृषि कार्य कर। तो पे जो पार्ट थ्री को देखी से यथाशीघ्र कमेंट बक्स में कमेंट कर जो तराई बेले कौन, क्या आम तराई कहवा, क्योंटी अरण्य क्षयर मुख्य कारण नुहे, अरण्य क्षयर मुख्य कारण नुहे, जनबसति, वातावरण, शिक्षानुष्ठान, शिल्पायन, ता भितर कौटा अरण्य क्षयर मुख्य कारण नुह। अरण्य क्षयर मुख्य कारण नुह पे कौटा हम पे यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी वातावरण। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देख, केउंटी अरण्य क्षय रोकिबार पदक्षेप नुहे, कौटा अरण्य क्षय रोकिबार पदक्षेप नुहे, ऑप्शन ए सामाजिक वनीकरण, ऑप्शन बी पुनः वनीकरण, ऑप्शन सी अरण्य संरक्षण, ऑप्शन डी बासगृह निर्माण। ता भितर कौटा अरण्य क्षय रोकिबार पदक्षेप नुहे, ठीक चिंता कल पे जी आम सामाजिक वनीकरण करवा तेज अरण्य क्षय रोकपर, पुनः वनीकरण मध्यम तो रोकपर, अरण्य संरक्षण मध्यम रोकपर, कि बासगृह निर्माण मध्यम के अरण्य क्षय रोकपर ना, तो यह राइट आंसर हम ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में समुदाय क्षेत्रफल शतकड़ा प्राय केते भाग भूमि चारण और गोचर भूमि अच्छी। तो भारत क्षेत्रफल मोट केते शतकड़ा भूमि होची चारण और गोचर भूमि, चारण और गोचर भूमि अर्थ हो घास जातीय भूमि। तो केत शतकड़ा आसो पे, ऑप्शन दुई दशम तीन, ऑप्शन बी तीन दशम तीन, ऑप्शन सी चार दशम तीन, ऑप्शन डी पाँच दशम तीन। तो पे कौटा सठिक उत्तर हम कौटा हम पे यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी तीन दशमिक तीन।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख, भारतर क्यों राज्य रे सर्वाधिक चारण भूमि रही। ओके तो भारतर क्यों राज्य रे सर्वाधिक चारण भूमि रही। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो क्यों राज्य रे सर्वाधिक चारण भूमि रही। पिला प्रश्नर सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक चारण भूमि रही। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में खेत भूमि परिमाण प्राय केते नियुत हेक्टर। भारत में खेत भूमि परिमाण प्राय केते नियुत हेक्टर खेत भूमि 96.4 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 95.4, ऑप्शन सी 96.4, ऑप्शन डी 97.4। कोड़ा हम पे सठिक उत्तर, भारत में खेत भूमि परिमाण प्राय केते नियुत हेक्टर। शीघ्र शीघ्र कमेंट कर पे। पिला राइट आंसर होची ऑप्शन ए 96.4 नियुत हेक्टर। ओके नेक्स्ट प्रश्न देख, भारत में क्षयित अरण्य भूमि परिमाण समुदाय क्षयित भूमि प्राय केते प्रतिशत। भारत जो क्षयित अरण्य भूमि अच्छी तार परिमाणा समुदाय क्षयित भूमि परिमाणर केते प्रतिशत अटे, 37% ना 37% ना 28% ना 29% ना 30%। कोड़ा हम पे कोड़ा हम, भारत में क्षयित अरण्य भूमि परिमाण समुदाय क्षयित भूमि प्राय केते प्रतिशत अटे। पे सठिक आंसर होची ऑप्शन बी 28%। ओके नेक्स्ट प्रश्न देख, 2018-19 रे भारत रे कृषि भूमि रो परिमाण केते नियुत हेक्टर को वृद्धि पाई। ओके तो 2018-19 रे भारत रे कृषि भूमि रो परिमाण केते नियुत हेक्टर को वृद्धि पाई। ऑप्शन ए 188.5, ऑप्शन बी 127.65, ऑप्शन सी 127.5। ओके यहाँ हूँ 6.5 पे, यहाँ हूँ 5। नेक्स्ट ऑप्शन डी 199.74। तो कोड़ा हम पे सठिक उत्तर, शीघ्र शीघ्र कमेंट कर। पे राइट आंसर होची ऑप्शन डी 199.74। नेक्स्ट प्रश्न, भारतर केते भाग भूमि जल द्वारा क्षयित होची। भारतर केते भाग भूमि जल द्वारा क्षयित होची। ऑप्शन ए 55%, ऑप्शन बी 56%, ऑप्शन सी 57%, ऑप्शन डी 58%। तो केते भाग भूमि जल द्वारा क्षयित होची, कोड़ा हम पे सठिक आंसर। पे सठिक आंसर होची ऑप्शन बी 56%। तो भारतर 56% भूमि जल द्वारा क्षयित होची। नेक्स्ट प्रश्न, केउटी भू समस्यार समाधान नुहे। भू समस्यार पुनः वनीकरण और नियंत्रित प्रसारण, यहाँ कौन भू समस्यार समाधान नुहे कि ना? ऑप्शन बी प्रतिरक्षा बलय रूपे कृषि और अरण्य भूमि संरक्षण, ऑप्शन सी शिल्प केन्द्र निर्गत बर्ज्यवस्तुर सुपरिचालना, ऑप्शन डी जनसंख्यार क्रमगत वृद्धि। तो निम्नलिखित मध्य के कारणटी भू समस्यार समाधान कारण नुहे, कोड़ा हम पे बहुत सरल प्रश्न। पे यही प्रश्न सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी जनसंख्यार क्रमगत वृद्धि केवे मत भू समस्यार समाधान नुहे, उल्टा भू समस्यार समाधान कारण उठे पार बुझिपना। नेक्स्ट प्रश्न देख, 119 नंबर प्रश्न कही मृत्तिका को नवीकरण अयोग्य संबल श्रेणी में अंतर्भुक्त करार कारण कौन? मृत्तिका को नवीकरण अयोग्य संबल श्रेणी में अंतर्भुक्त करार कारण कौन? ना अधिक कृषि उत्पादन, घन जनबसति थिबारु, गठन पाई बहु वर्ष लगुवरु, ना शिल्पायन थिबारु। तो को कारण जो मृत्तिका को नवीकरण अयोग्य संबल श्रेणी में अंतर्भुक्त कर पे सठिक आंसर 119 नंबर प्रश्न पे सठिक आंसर होगी ऑप्शन सी गठन पाई जेहेतु आपको बहु वर्ष लग जाए। 120 नंबर प्रश्न,
କେଉଁଟି ମୂର୍ତ୍ତିକା ଗଠନରେ ସହାୟକ ନୁହେଁ? ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ମୂର୍ତ୍ତିକା ଗଠନରେ ସହାୟକ ନୁହେଁ? ବାଲି, ଗୋଡ଼ି, ମାଟି, ପଟୁମାଟି, ତ ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ମୂର୍ତ୍ତିକା ଗଠନରେ ସହାୟକ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ପିଲାମାନେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଗୋଡ଼ି। କେଉଁଟା ହେବ? ଗୋଡ଼ି କେବେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ତିଆରିରେ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଠି ମୂର୍ତ୍ତିକା ଗଠନର କାରଣ ନୁହେଁ? ଜୈବାଂଶ, ଜଳବାୟୁ, ଶିଳାରେଣୁ, ଅରଣ୍ୟ। ତ ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କାରଣଟି ମୂର୍ତ୍ତିକା ଗଠନର କାରଣ ନୁହେଁ? ମୂର୍ତ୍ତିକା ଗଠନର କାରଣ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ଜୈବାଂଶ ଥାଉଛି, ଶିଳାରେଣୁ ଥାଉଛି, ଜଳବାୟୁ ମଧ୍ୟ କାରକ ରୂପେ କାରଣ ମାନେ ଥାଉଛି ଗୋଟେ କାରକ, କିନ୍ତୁ ଅରଣ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଗଠନର କାରଣ ନୁହେଁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, କେଉଁଠି ମୂର୍ତ୍ତିକା ଗଠନର ଜଳବାୟୁ ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟାମକ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ମୂର୍ତ୍ତିକା ଗଠନର ଜଳବାୟୁ ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟାମକ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଉଦ୍ଭିଦ, ଅପସନ୍ ବି ତାପମାତ୍ରା, ଅପସନ୍ ସି ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଅପସନ୍ ଡି ବାୟୁ ପ୍ରବାହ। ତା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ମୂର୍ତ୍ତିକା ଗଠନ ଜଳବାୟୁ ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟାମକ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଉଦ୍ଭିଦ। ଓକେ, ତ ଉଦ୍ଭିଦ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଗଠନର ଜଳବାୟୁର ସମ୍ପର୍କର ନିୟାମକ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁଠି ମୂର୍ତ୍ତିକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ନୁହେଁ? ପ୍ରାକୃତିକ ବିଶେଷତ୍ୱ, ଓକେ, ସଂରଚନା, ଲବଣତା, ରଙ୍ଗ, ଛିଦ୍ରତା, ତା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ପ୍ରାକୃତିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ପିଲାମାନେ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଲବଣତା। ଲବଣତା କେବେ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସଂରଚନା, ରଙ୍ଗ, ଛିଦ୍ରତା ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଠି ମୂର୍ତ୍ତିକାର ରାସାୟନିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଟେ? ରାସାୟନିକ ବିଶେଷତ୍ୱ, ଛିଦ୍ରତା, ରଙ୍ଗ, ଅମ୍ଳ ଅଂଶ, ସଂରଚନା, ତା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ମୂର୍ତ୍ତିକାର ରାସାୟନିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଟେ? କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ପିଲାମାନେ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଅମ୍ଳ ଅଂଶ। ତ ଅମ୍ଳ ଅଂଶଟା ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଟେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୂର୍ତ୍ତିକା ଗଠନ ପରିବେଶର କେତୋଟି କାରକ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ? ମୂର୍ତ୍ତିକା ଗଠନ ପରିବେଶର କେତୋଟି କାରକ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ? ପାଞ୍ଚଟି କାରକ, ଛଅଟି କାରକ, ସାତଟି କାରକ, ନା ଆଠଟି କାରକ? କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମୂର୍ତ୍ତିକା ଗଠନ ପରିବେଶର କେତୋଟି କାରକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଛଅଟି, ଛଅଟି କାରକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ନେକ୍ସଟ, ପଟୁମାଟି କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ପଟୁମାଟିଟା କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ? ଅପସୃତ, ଅବଶିଷ୍ଟ, କର୍ଦ୍ଦମ ମଟାଳ, ନା କୃଷ୍ଣ? ତ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଅପସୃତ। ତ ପଟୁମାଟି ହେଉଛି ଅପସୃତ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ନେକ୍ସଟ, ଫେଡ଼ା ଲଫର ମୂର୍ତ୍ତିକା ଭାରତର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଏ? ଫେଡ଼ା ଲଫର ମୂର୍ତ୍ତିକା ଭାରତର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ? ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଆର୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଉତ୍ତର ଭାରତର ବରଫାଚ୍ଛନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ, ନା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ, ନା ପୂର୍ବ ଭାରତର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ? ତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫେଡ଼ା ଲଫର ମୂର୍ତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ? କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ, ନା ବି, ନା ସି, ନା ଡି? ପିଲାମାନେ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଆର୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଓକେ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଆର୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଫେଡ଼ା ଲଫର ମୂର୍ତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, 139 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି ଯେ ପେଡ଼ୋକାଲ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ? ପେଡ଼ୋକାଲ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ପୋଟାସ, ସୋଡ଼ିୟମ, ବାଲି, ନା ଚୂନ? ତା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଅଧିକ ଥାଉଛି ପେଡ଼ୋକାଲ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ? ପିଲାମାନେ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଚୂନ। ତ ପେଡ଼ୋକାଲ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଚୂନ ଥାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ପଟ୍ଟୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ତ
तो निम्नलिखित मध्य क्यों मूर्तिका पटु मूर्तिका अंतर्गत नुहे रे पित्त लोएस तराई तो आ भितर कौटा पटु मूर्तिका अंतर्गत नुहे पहले मैं राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पित्तड़ा गोटे पट्टु मूर्ति का अंतर्गत नुहे। नेक्स्ट प्रश्न क्यों मूर्ति का स्फटिक क्यों मूर्तिकार स्फटिक आग्नेय और रूपांतरित शिला एवं स्वल्प बृष्टिपात अंचल गठित होता है। ओके तो क्यों मूर्तिकार स्फटिका आग्नेय रूपांतरित शिला एवं स्वल्प बृष्टिपात अंचल गठित होता है लोहित कुष्ठ लाट्राइट पार्वत्य अभी तो कौ मूर्तिकार स्फटिक आग्नेय रूपांतरित शिला एवं स्वल्प बृष्टिपात अंचल गठित होता है पहले राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लोहित मूर्तिका। ओके तो पे आम टोटाल तीस प्रश्न आज सरला तो प्राय एक मिनट मत होती था तो बाकी आम अनेक पार्ट्रे पढ़ा पे जब भिडियो भल लगी निश्चित रूप गोटे लाइक कर निज सांगसाथी भितर सेयर कर जदि चैनल को सब्सक्राइब करना यह पर्यटन तो यथाशीघ्र सब्सक्राइब करिबो। धन्यवाद।